फाइनली हम लोग आज बापीदा के पास आए हुए हैं और आज हम जो भी जानते हैं सांप के बारे में, जो भी नॉलेज है मेरे पास, तो बापीदा के वजह से ही है, क्योंकि मैं इन्हीं का वीडियो देख के सांपों के बारे में जानकारी हम प्राप्त किए हैं। और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि बापीदा से हमारी भेंट हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से हम बापीदा के पास आना चाह रहे थे, टाइम नहीं मिलने के कारण आ नहीं पा रहे थे। तो आज हम बापीदा से मिले हैं और बता नहीं सकते आपको कि हम कितना खुश हैं यार। चलिए ठीक है दोस्तों, ये बोकारो ज़िले पेटरवार से हैं और ये लगभग बहुत दिनों से सांप रेस्क्यू करते हैं और सांप को अच्छी तरह सांप को रेस्क्यू करके फिर पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। और ख़ास करके इनके यहाँ रसल वाइपर कोबरा बहुत मात्रा में निकलता है और गांव क्षेत्र है, जिसके कारण जो है स्नेक सवार को थोड़ा तो ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि समझाना पड़ता है। आदमी सांप को मार देता था और निकलता था, उसके बाद सांप काट ले तो उसको झाड़ फूका पास ले जाता। तो ये लोग को वजह से अब भारत में जितने भी मतलब ये अभी अंधविश्वास दूर हुआ है या आदमी जागरूक हुए हैं, सिर्फ स्नेक सवार के कारण आज पिछले 10 साल के बाद आप जल चल जाइए तो 90% लोग सांप दिखते ही मार देता है। 90% सांप निकला और डंटा मार दिया, या गांव में मोहल्ला में कोई एक्सपर्ट होता था सांप मारने का, एक्सपर्ट वो भी बहादुर होता था, ऐसा ऐसा समझाता था, अरे भाई फलाना का लड़का को बुलाओ सांप मारना उस्ताद है, उसको बुलाया जाता था मारने के लिए, स्पेशली उसको बुलाया जाता था। तो ये जो है लगातार ये था, लेकिन स्नेक सवार ऐसा है ये वीडियो बनाने लगे यूट्यूब में, सांप को समझाए, सांप को क्यों बचाना है, बचाना क्यों है। लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि सांप को बचाने का क्या मतलब। जब हम वीडियो में स्टार्टिंग में हम पहला वीडियो में बनाए यूट्यूब में कि सांप का जहर से ही एंटीवेनम के साथ साथ और हजारों दवाई बनता है, गठिया बात एनेस्थेसिया से लेकर के आपका किडनी का, लीवर का बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, या कैंसर को पता लगाने के लिए बहुत सारा मेडिसिन यूज होता है, स्किन डिजीज का, तो जिसके कारण लोग जो है समझे। और कम से कम इन लोग सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, पूरे भारत में जितने नए नए स्नेक सवार है लेकिन बच के, और ख़ास करके अभी जो देख रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत सारा प्रेशर के कारण जो स्नेक सवार, कुछ स्नेक सवार सांप पकड़ने भी अब हिचकिचा रहे, कारण सांप तो पकड़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ नौजवान है कुछ गलत तरीके से सांप पकड़ने के वजह से, और जो अच्छे स्नेक सवार उनको भी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि कुछ स्नेक सवार सांप को पकड़ते हैं सिर्फ जो है दिखावा करने के लिए, स्टैंडबाजी करने के लिए, जिसके कारण जो है उड़ीसा में आप देखे होंगे मिर्जा आरिफ के ऊपर में केस हुआ, जेल में रहे, अभी उनका ऊपर ईडी का जो है छापामारी के लिए आवेदन किया गया है, वो भी फॉरेस्ट की तरफ से। तो ये जो है अभी ऐसे इससे पहले भी बहुत सारा स्नेक सवार का ऊपर हुआ है। तो आप जब तक फेमस नहीं है आपके साथ कुछ नहीं है, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा अहदे पर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए उस दिन आपके ऊपर में शुरू हो जाएगा, लोगों का नज़र लगने लगता है नज़र। तो इसीलिए आप अपना काम करें और ज़्यादातर हम बोलेंगे फॉरेस्ट का देख रेख में काम कीजिए, उनका उनसे आप तालमेल करके जब भी सांप रेस्क्यू करने जाइए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, हम इस जगह में फलाने जाकर रेस्क्यू करने जा रहे हैं, और फिर रेस्क्यू करके उस सांप को रखिए मत भाई, नहीं नहीं तुरंत तुरंत जाके उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सामने छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ते हैं मतलब एक घंटे के अंदर हम उसको रिलीज कर। और एक काम करें, एक छोटा सा ये ले लें आप डायरी ले लें, उस डायरी में आप ऐसा फॉर्मेट बना लें कि उसमें जिसका घर से रेस्क्यू कर रहे हैं उनके घर से भी उनका लिखा लें, उनके सिंचाई करवा लें, सांप का नाम जगह सब कुछ, और उस सांप को जो रिलीज करते हैं वहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ के एक दरखास्त ले लें, ताकि आपको सब कुछ रहेगा आपको पास, ये हम सांप कहाँ से पकड़ें, कब छोड़ें, कितना पकड़ें, ये बेहतर रहेगा। चलिए आप कुछ बता दें। परसों ही सर हम लोग को फॉरेस्ट विभाग से ही कॉल आया था। जी जी। तो वहाँ एक गेहूमन प्रजाति के जो सांप है, हाँ, कोबरा, कोबरा। हाँ। वही निकला हुआ था, तो फॉरेस्ट से ही फोन किया कि आप आइए थोड़ा सा और सांप को यहाँ से निकाल के ले जाइए। फिर हम गए और उसके में गड्ढे में अंदर मतलब बिल था उसमें घुसा हुआ था, तो नहीं भी तो 4 ड्राम पानी उसमें डालना पड़ा, तब जाके वो निकला बाहर, और फिर उसे हम निकाल के अच्छे से रेस्क्यू कर फिर जंगल में रिलीज कर दिया। हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो फॉरेस्ट को पता ही रहता है, और फॉरेस्ट को पता लगा बोल के ही आपकी, खास कर बोकारो जिले में आते हैं लोग। हाँ, बोकारो। अभी तो हम बोकारो जिला में लगभग 4.5 फुट के ये पकड़े गरुड़,
जरूर पकड़े थे। हाँ, आपका देखा था वीडियो सर आपका। तो दोस्तों मेरा ये हम लोग का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आज लगभग स्नेक सवार जो है जो यूट्यूब में वीडियो बनाते थे इसका कारण होता था कि अगर स्नेक सवार सुबह से रात बजे 10 बजे से रात भर जगते हैं और अपना जान जोखिम में डाल के रेस्क्यू करते थे तो उनको कुछ मिलता नहीं था। जिसका घर में गए कोई देता था, आज ज़्यादा पैसे मांगी है कोई, बोला मेरे घर में सांप निकला, आप बोले हाँ जाएंगे 200 रुपये तेल का, नहीं 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 छोड़िए मार देते हैं। हाँ, तो ये बहुत बार ऐसा होता है। तो ये कारण जो है स्नेक सवार सोचे भैया मेरा घर द्वार कैसे चलेगा, ऐसा समाज सभा करने के लिए दिन भर समाज सभा करे, शाम को आके बोले कि खाना फ्री में मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं, अपना पेट अपना बाल बच्चा परिवार पालने के लिए। तो कुछ स्नेक सवार सोचता था कि यूट्यूब में वीडियो डालेंगे कुछ पैसा आएगा इसके कारण, लेकिन इसके कारण ये हो गया प्रोफेशनल ऐसा हो गया कि आप स्नेक सवार के साथ साथ आदमी सोच इसको कमाई का जरिया बना लिया, ऐसा कमाई का जरिया कि एक जगह में एक सांप के भी निकालने नहीं लगा, आप भी होने लगा कि आप भी एगो सांप पकड़ रहे, वो भी एगो सांप, बापीदा भी एगो, मुबारक जी, अब एक सांप पे तो सब देख रहा, अब हम क्यों ना इसको एक सांप 25 को सांप निकाले एक जगह से, तो ये वीडियो वायरल होगा, ऐसे करने लगे आदमी, उसके देखा देखिए कुछ और अनोखा करने लगे, जिसके कारण जो है यूट्यूब पूरे खराब हो गया। और धीरे धीरे जो है जो छोटा मोटा स्नेक सवार उनका चाह था कि हम आगे आगे बढ़ेंगे उसका वहीं पर आशा टूट गया। तो भी अभी जो भी ये लोग हैं अपना काम करें लेकिन बच के करें, और उसके साथ साथ खाली सांप नहीं, आपके बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए आप कोई ना ऐसा कोई काम धंधा करें, जॉब करें, खाली सांप का ऊपर में निर्भर ना रहे। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी है सर। अच्छी बात बाबू, और बहुत बढ़िया। क्या नाम आपको? मेरा नाम चंद्रहास पांडे हुआ। चंद्रहास पांडे, ये भोला कुमार है हमारे सहयोगी, यही है कैमरामैन भी यही है। और सांप से ही हम हर जगह में सांप से लगा मरा था, नौकरी करना मन नहीं था। तो आज इसी कारण मेरा ये हॉस्पिटल बन रहा जहाँ पर हजारों आदमी का जान बच रहा है, और ये हॉस्पिटल मेरा बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल है जो भारत का सबसे बड़ा सफदर्ज का हॉस्पिटल जो उद्घाटन हो रहा है और जुलाई में होने वाला है, लेकिन पैसे की वजह से थोड़ा हम लोग काम ब्रेकअप है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आ रहा हम लोग काम चालू कर रहे हैं। तो सभी को फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि भाई साहब को सपोर्ट करें और इनका जो भी चैनल है उनको देखें, ध्यान दें, और कभी सांप निकले तो आप कॉल करिए, तुरंत जाकर रेस्क्यू करके फोन वापस छोड़ देंगे। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।